सहरसा जिला मुख्यालय अंतर्गत सदर थाने की पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां सदर थाना क्षेत्र के विद्यापति नगर से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिता और पुत्र को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि किसी घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी एकत्रित हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए विद्यापति नगर में छापेमारी की, जहां राजेश्वर झा के मकान में भारी मात्रा में हथियार को बरामद किया गया है। साथ ही उनके पुत्र आशीष कुमार झा को भी हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कार्बाइन, दो कार्बाइन मैगजीन, एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस के साथ 2 मोबाइल भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। हालांकि दोनों अपराधियों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि राजेश्वर झा एक रिटायर फौजी थे। ऐसे में पिता पुत्र की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। वहीं इसकी जानकारी एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान हेडक्वार्टर डीएसपी एजाज हफीज मानी ने दी है। कल रात में करीब 11 बजे एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना के में प्राप्त हुई कि विद्यापति नगर में वार्ड नंबर 16 में एक राजेश्वर झा जी हैं, जिनके पिता का नाम स्वर्गीय रामचंद्र झा है, उनके घर पर बड़ी मात्रा में हथियार, अवैध हथियार रखा हुआ है, संभवतः खरीद फरोख्त या किसी घटना को अंजाम देने के लिए। इस घटना की सूचना जब प्राप्त हुई तो सत्यापन के लिए जो है SHO सदर को लगाया गया। SHO सदर ने अपने स्तर से सत्यापन किया और फिर एक रेड किया गया। प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक जो हमारे साथ हैं निशिकांत भारती जी के नेतृत्व में, साथ में थे सुधाकर जी, पुलिस थाना अध्यक्ष जो पुलिस निरीक्षक भी हैं, और ब्रजेश कुमार चौहान जी, सदर थाना के सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार सिंह पैंथर के जवान थे, ये लोग मिलकर के रेड किए। तो रेड के क्रम में जो है राजेश्वर झा के घर से जो है ये सब सामान जो आप देख रहे हैं अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इन अवैध हथियारों में आप देख सकते हैं देसी कार्बाइन है, इसकी 2 मैगजीन है, एक देसी पिस्टल है, एक देसी कट्टा है, कारतूस 7.6 mm का 7, 8 mm का 1 कारतूस और 2 मोबाइल फ़ोन है, ये बरामद हुआ है। इससे पहले भी इनके यहाँ पर आपराधिक, इसके आपराधिक इतिहास के विषय में जो है सभी थाना को किया गया है और सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं, जैसे ही आप पता चलता है आपके बीच में शेयर किया जाए। जेल से भी कोई कनेक्शन है सर इसका? जेल से कनेक्शन के बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है, अनुसंधान में आने पर इस बात को। आखिर इतनी भारी मात्रा में हथियार रखने का क्या उद्देश्य था, क्या जांच में आया है? अभी तो रात की ही घटना है, अनुसंधान लगातार जारी है। इसकी 2 वजह हो सकती है, या तो किसी घटना को अंजाम देने के लिए किसी के द्वारा अंजाम देने या अपने से अंजाम देने के लिए, या फिर खरीद फरोख्त की बात भी हो सकती है। जमीन से जुड़ा मामला तो नहीं? जमीन इस बिंदु पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अगर जमीन से जुड़ा मामला होगा तो ये भी संज्ञान में लिया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।